शांति माने प्रदेश के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भाई नवीन ठाकुर बहन नेगी जी सभी आए हुए अतिथि का सभी हमारे अधिकारी और इनके निमित्त इनके लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। ऐसे यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग बड़ी संख्या में आज कार्यशाला में उपस्थित हैं। सभी अधिकारीगण हैं, सभी हमारे कर्मचारीगण हैं, रेल विभाग के भी हैं, अन्य प्रशासन के लोग भी हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है नशे से मुक्ति, इसके बारे में सभी ने अपने संक्षिप्त में थोड़ी थोड़ी देर के विचार रखे हैं। देखिए नशा कितना खतरनाक है हमको अभी बताया, किस प्रकार से वो भूत की तरह लग जाता है और कई बार तो पता ही नहीं चलता है कि मजाक मजाक में हम नशे की लत में चले जाते हैं या उसकी जद में आ जाते हैं या उसके क्षेत्र में हमारा अब वो हमारे अंदर घुस गया। हासिल मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगा जिन लोगों ने प्रज्वलोक को तो भगवान की कृपा हो और भगवान की कृपा होने से वो एक नई जिंदगी एक नया रास्ता बन गया। हमने से भी बहुत सारे लोग जिन्होंने जीवन में हो सकता है आगे किसी को किया हो और कहते हैं जब जागो तब सवेरा, जब समझ आ जाए वहीं से सवेरा प्रारंभ होता है। ये मानिए कि आज की कार्यशाला हो रही है, डॉक्टर अतुल जी, डॉक्टर तपस्या जी, ये हमारे प्रशांत जी, हमारे जेल विभाग के हमारी मैडम दादा जी, ये स्वयं खूब ठोस तरीके से कि हम एक भी आदमी को अब नशे की जरूरत नहीं चाहते और आज से ये कार्यशाला करने का लाभ तब है कि कठिन तो बहुत होता है, अगर कोई नशा चाय का बलि पड़ जाता है तो वही कुछ समय होता है, नशा तो बहुत कठिन है। तो इस कठिन काम के बाद एक नया सत्र आया और मैंने बहुत सारे लोगों से बात हुई जो काफी नशा करते और नशा करने के बाद जब उन्होंने नशा छोड़ा तो कहते हैं कि हमारा तो असली जीवन अब सारा और मैं कहता हूं मैंने अपने एक मित्र को खोया और मैं जब जब भी उसके बारे में सोचता हूं तब मुझे लगता है और उसी संकल्प के कारण यह हमने संकल्प किया कि 2025 तक हमारे इस देवभूमि के अंदर एक भी व्यक्ति, एक भी भाई, एक भी बहन नशे की जद में ना हो। कितना कठिन होता है जैसे प्रभुजोत ने बताया कि अपनी मां को ही जो है मां के तक का विचार मन मान, ऐसे ही मैं देख रहा था कि मैं उस मित्र की हमेशा जो भी मैं सलाह दे सकता था, मदद कर सकता था, मैं कर पाता था। बचपन में पढ़ते थे साथ में, धीरे धीरे वो पत्रकारिता की जगत में चला गया लेकिन वहां जाकर मैं नशे की लत में आ गया तो धीरे धीरे सब कुछ जो है घर से जो है खत्म करने लगा। और एक दिन उसका उसने मुझे फोन दिलाया और वो भूल गया कि फोन आ गया तो अपनी पत्नी से वो इस तरह से लड़ रहा था कि मैं तुझे आज मार दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा, तू मुझे जो है नशा नहीं करते रहती है, तो मेरे रास्ते का कांटा है, रास्ते में अड़ंगा लगाती है, छोड़ूंगा नहीं। उसका फोन ऑन था, मैंने उसको फोन काट के यहां से मैंने मिलाया तो थोड़ी देर के लिए वो शांत हो गया, शांत हुआ। बच्चे बीमार हो रहे थे आसपास, अब आप बच्चे रो रहे हो, पत्नी रो रही हो, मां रो रही हो, लेकिन नशा उसको छोड़ नहीं रहा क्योंकि वो नशे को भी छोड़ पा रहा था।
उस दिन तो वो कुछ मेरे समझाने के बाद कुछ समझा होगा, थोड़ी देर बाद वहां शांति हो गई, लेकिन एक महीने के बाद पता लगा कि अचानक जो है उसने इतना नशा किया कि उसको रात में हार्ट अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई। इसलिए भाइयों बहनों मैं कहता हूं कि अब कोई भी हमारा भाई बहन नशे की लत में, एक किस्सा तो ये मैंने आपको बताया था जो मार्मिक है, इसके साथ साथ मैंने एक और कोई परिचित थे उनका बेटा अचानक यहां पढ़ने आया है, एक स्टूडेंट में पढ़ने आया और इंजीनियरिंग करने के लिए आया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और करते करते वो पता नहीं कहां आस पास के साथ कि वो बिल्कुल ड्रग साइड में, इतनी उसकी हालत खराब हो गई, जो अच्छा खासा तंदुरुस्त दिखने वाला लड़का 6 महीने बाद उसकी पहचाना भी कर दी, मां रो रही थी, पिता अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसको किसी तरह से यहां से निकालने का प्रयास कर रहे थे और मेरे पास आए क्योंकि मेरे परिचित थे, बहुत मुश्किल से उसको बीच में जो है उन्होंने हटा पाए वहां से, उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, जिस बेटे को वो इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिस बेटे को बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, उसका रास्ता ही भटक गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नशे के बारे में मजाक में भी आप लोगों के लिए कोई संकट पाए, कोई नहीं पी लो, थोड़ा बीड़ी पी लो, थोड़ा सिगरेट पी लो, तो ना कहने की आदत कर कठोर पाठ दृढ़ता से उसको ना करिए, और आप ना कहेंगे तो तय मानिए कि आप जहां अपने को तो सुरक्षित कर ही रहे हैं, अपने साथ साथ एक अध्याय भी आप खड़ा करते हैं, ये अध्याय आप सबके माध्यम से खड़ा होगा। तो मैडम कह रही है कि अभी हम लोगों ने संकल्प किया है, ये संकल्प अकेले मेरे लेने से नहीं होगा, ये संकल्प हम लोग जितने लोग यहां बैठे हैं इनके चाहने से भी पूरा नहीं होगा, जब तक इस संकल्प में हमारे उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति की आहुति न पड़े, एक एक व्यक्ति का आहुति तो निश्चित रूप से संकल्प हमारा सिद्धि तक पहुंचेगा। मैं अपने अधिकारीगणों से, हमारे समाज के जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, एनजीओ चलाने वाले हैं, हमारे क्रिकेट के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, फुटबॉल के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो सेलिब्रिटीज के नाते जिनको हम जानते हैं, मैं उन सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि वो सब लोग भी इस अभियान में आगे आए और इस अभियान को महाअभियान बनाकर सबको ये सहदेव की बहुत अच्छी बात बोल, ये जीवन हमारा बहुत योनियों के बाद होता है, और आपको बताऊं कि 84 लाख योनियों के बाद इस जीवन को कैसे सफल बनाएंगे, इस जीवन को हम कैसे साकार करेंगे, जीवन सबका पूरा होता है अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, स्वयं नशे से दूर होंगे, स्वयं गलत कामों से दूर होंगे, दूसरों को भी करेंगे, तो आपको एक आत्मिक शांति तब होगी जब आपके कारण से कोई और दूसरा भी संतुष्ट हो रहा है, सुखी हो रहा है, उसको भी कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है, उसको भी कोई नया रास्ता प्राप्त हो रहा है। और कहते हैं देखिए, अगर हमने ये जीवन खराब कर दिया, ठीक है अभी हम किसी कारण से इस कारागार के अंदर, ये प्रायश्चित करने का भी कारागार है, इससे आगे बढ़ने का भी ये रास्ता है, और हमने मान लिया कि नहीं अब तो हम इससे आगे सुधर ही नहीं सकते, तो फिर तो तय मानिए कि आपका ये जीवन तो खराब हो ही गया, इसके बाद जो दूसरा जीवन आएगा वो जीवन भी
कैसा होगा उसका हम स्वयं अंदाजा लगा। इस जीवन को भी सफल करना है, कुछ चीजें जो कमियां रह गई है, हमको आत्म का आत्मबोध इस परिसर से भी हो, ये परिसर भी हमको आत्मज्ञान देने का, आत्मबोध देने का और आगे के जीवन जीने का रास्ता बता सकता है। लेकिन हम ठान लें, जान लें, मान लें, और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य जो संकल्प कर ले और संकल्प करके उस संकल्प को ठान कर मान कर उस संकल्प को पूरा करने की ओर आगे बढ़ जाए तो उस संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। संकल्प आप लोग अभिषेक रूप में कि हमको अपने जीवन में अब आगे का जो जीवन है, आगे का जो मार्ग है, उसको सन्मार्ग की ओर ले जाना है, अच्छी तरह ले जाना है, स्वयं को भी ठीक रखना है और स्वयं के साथ साथ जो जो भी हमारे संपर्क में आएंगे उन सबको ठीक करना है। मुझे पूरी आशा है और स्वास्थ्य हमारे चेयरमैन साहब अतुल जी, हमारी बेटी तपस्या, ये जो बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं, ये लोग सब लोग मिलकर आप सबके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के अंदर आज जैसे इस कारागार के अंदर एक कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम केवल इसलिए है कि आप सबके माध्यम से जो हमारे अन्य भी कारागार हैं उन सब कारागार में भी एक इस नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाएगा, नशा मुक्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा, नशा मुक्त उत्तराखंड होगा और नशा मुक्त भारत होगा। पिछले दिनों हम और मैडम राधा जी हमारी टीम फरीदाबाद में हम थे और गृहमंत्री जी के, भारत सरकार के गृहमंत्री जी की अध्यक्षता में हमारी दो दिन का चिंतन शिविर चला था। उस चिंतन शिविर में भी गृहमंत्री जी के द्वारा और देश के जितने भी प्रतिनिधिगण आए थे उन सब के द्वारा जो चिंता करी गई है वो चिंता नशे को लेकर, क्योंकि अगर हम नशे से मुक्ति नहीं पाएंगे, नशे से मुक्त नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सोचना पड़ेगा कि हम तो नशे की जद में जा रहे हैं, हम आने वाले समय के लिए कौन सा भविष्य देने वाले हैं, कौन सा हम समाज देने वाले हैं, हम कौन सा देश देने वाले हैं, हम सबको चिंता करनी होगी। और हम सब चिंता करेंगे तो हम लोगों ने जैसे नशा मुक्ति के लिए 2023 ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का अभियान किया है, संकल्प किया है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और उसकी हमारी हर जगह पर शुरुआत हो रही है। आप देखिए उत्तराखंड हर दृष्टि से, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन से, उनके मार्गदर्शन से हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी दो दिन पहले, तीन दिन पहले 26 जनवरी के दिन जो परेड हुई थी, उस परेड का जो रिजल्ट आया, हमने हमारे प्रदेश में मानस खंड की जो झांकी वहां प्रस्तुत की गई थी, उस झांकी को, उस ऐतिहासिक झांकी को, ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर, जिस दिन से उसका नाम कर्तव्य पथ हुआ है वो पहली झांकी है, वो ऐतिहासिक क्षण है कि हमारी राज्य स्थापना के बाद पहली बार हमारे राज्य की झांकी को पहला स्थान था। और हम भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, रोज कर्म करते हैं, रोज जो भी काम करते हैं, तो मैं भगवान से हमेशा कहता हूं कि हे भगवान, देश देश वर्ष हमारे राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाइए, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको शक्ति दीजिए, हमको प्रेरणा दीजिए, हमको इतना ज्ञान दीजिए, हमारा ऐसा मार्गदर्शन हो, हमारा बुद्धि और विवेक इस दिशा में जाए कि राज्य हमारा अग्रणी राज्यों में हो। तो अग्रणी राज्यों में हम पहले उत्तराखंड को नशा मुक्त करेंगे और भारत को जो नशा मुक्त करने का अभियान है उसमें भी हम गिलहरी की तरह जैसे भगवान राम ने जब राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तो राम सेतु के निर्माण में नल, नील, अंगद, जामुन, हनुमान, लक्ष्मण सब लगे हुए थे, उसमें एक गिलहरी वह भी अपना योगदान सुनिश्चित कर रही थी और वो बार बार समुद्र में गोते लगाती थी, अपने आप को भिगोती थी, अपने को बालू में ओट पोट होती थी और जो छिद्र बंद नहीं हो पा रहे थे, जो छेद बंद नहीं हो पा रहे थे उन छिद्रों में
अपने आप को लगाकर अपने बालों को डालकर उन छिद्रों को बंद करने का काम कर रही थी। वही राज, वही हमारा राज्य उत्तराखंड की, जो आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है, जिसका कल आम बजट आया है, नव भारत के निर्माण का संकल्प है, 130 करोड़ भारतवासियों की आशा आकांक्षा, उनके विश्वास का, उनके आगे बढ़ने का जो ये बजट आया है, वह बजट निश्चित रूप से हमको उस दिशा में ले जाने का काम करेगा। उसी में हम सब अपना योगदान देंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद।